जिन जो होते हैं वो वाला जिन शब्द किस भाषा का है? वो अरबी भाषा का है जिन, ठीक है, उसका बहुवचन है जिन्नात। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जिन्नातों, ये कोई शब्द नहीं है, ठीक है साहब। अगला शब्द मैं लेता हूँ जो मेरे पास है, और वो है मुसाहिब। किसी ने पूछा था मुसाहिब का पर्यायवाची हिंदी में। देखो पहले मुसाहिब को अगर जो नहीं समझते हैं वो समझ लें, मुसाहिब का अर्थ क्या होता है। मुसाहिब का अर्थ है वो व्यक्ति जो किसी बड़े आदमी, किसी राजा महाराजा सामंत या कोई, मतलब अपने इलाके की, अपने एरिया की, अपने शहर की, अपने देश की बड़ी हस्ती के साथ उठता बैठता हो, उसे कहते हैं मुसाहिब। गालिब के एक शेर में ये शब्द भी इस्तेमाल, ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, जिसको मैं उस दिन पढ़ रहा था, अधूरा पढ़ा था मैंने। बना है शाह शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, ऐसा इस तरह से था, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। अब हिंदी पर्यायवाची का सवाल यह है कि भाई हिंदी पर्यायवाची तो इसका एक पार्षद हो सकता है, पार्षद। अब पार्षद तो आजकल नगर पालिका के या नगर, जो नगर नगर निगम के सदस्य को कहते हैं पार्षद, कम से कम दिल्ली में तो उसे ही कहते हैं पार्षद। लेकिन शाब्दिक अर्थ तो यही है इसका, मुसाहिब का, पार्षद। और प्रैक्टिकली अर्थ जो है वो है जो मैंने इससे पहले बताया। भोज भट्टा राय फरमाते हैं, व्हाट डज दैट मीन, आधी छोड़ सारी को धावे, आधी रहे ना सारी पावे। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति आसानी से मिल रही कम वैल्यू की चीज़ को छोड़कर ज़्यादा वैल्यू की चीज़ की तरफ दौड़ता है, उसे ना आधी, ना ये कम वैल्यू वाली चीज़ मिलती है, ना अधिक वैल्यू वाली चीज़ मिलती है। धावे का मतलब धाव से बना, धाव, धाव संस्कृत का मूल शब्द है, ठीक है। धाव, धाव, धावंती, धावे, धाव, बहुत सारे इसके रूप हैं, आपने पढ़ा होगा। तो धाव जो है दौड़ना। तो जो व्यक्ति आधी चीज़ को छोड़कर पूरी की तरफ भागता है, उसे ना आधी चीज़ मिलती है ना पूरी मिलती है। अब मोटो एक्सपोर्ट साहब आए हैं, ये भी सदस्य हैं, कहते हैं एकेश्वरवाद के पृथक पृथक भाषाओं में भिन्न भिन्न शब्द क्या क्या संभव हैं गुरुजी। तो भाई एकेश्वरवाद जो है वो मैं आपको उर्दू का तो बता सकता हूँ, जो कि अरबी से आया हुआ शब्द है, वहदत, वहदत, वहदानियत, यानी ईश्वर का वाहिद होना। वाहिद का मतलब है एकमात्र, ईश्वर का एक ही होना वहदत कहलाता है, वहदानियत भी कहते हैं और एकेश्वरवाद भी कहते हैं। और यह धारणा सभी की है, जो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म कह लीजिए, आर्य धर्म कह लीजिए, उसका भी मूल जो है वो एकेश्वरवाद में ही है। ईश्वर एक है ये हिंदूज भी मानते हैं, मुस्लिम्स भी मानते हैं और सब मानते हैं, बाकी एक ओंकार जो हमारे सिख भाई हैं वो भी मानते हैं और ईसाई भी मानते हैं, सब मानते हैं। प्रिंस गुप्ता कहते हैं मुख्तसर यानी क्या होता है, मुख्तसर का मतलब है संक्षिप्त, शॉर्ट, मुख्तसर। मुख्तसर भी किसको कहते हैं, मुख्तसर भी कहते हैं, इख्तिसार वाला, जिसमें इख्तिसार हो, मुख्तसर, ठीक है, संक्षिप्त, शॉर्ट में।